ये है कलम की ताकत। आप देख रहे हैं क्रिस संदेश न्यूज। नमस्कार, क्रिस संदेश न्यूज में आपका स्वागत है। विजयदशमी पर्व पर सपना चौधरी राजधानी जयपुर में पहुंचेंगी। जयपुर शहर के जोटवाड़ा में लालचंदपुरा कस्बे के जेडीएस सिक्किम में हनुमान ग्राम सेवा समिति लालचंदपुरा मीडिया प्रभारी हीरालाल चौधरी ने बताया कि विजयदशमी पर्व पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, जो कि क्षेत्र का ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। इसकी समिति के पदाधिकारियों ने जायजा लेकर सुझाव दिए। कार्यक्रम में हरियाणा के मशहूर डांसर सपना चौधरी अपनी प्रस्तुतियाँ देंगी। समिति के अध्यक्ष सीताराम यादव के अनुसार कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में प्रचार प्रसार तेज गति से किया जा रहा है और कार्यक्रम में डांसर सपना चौधरी के आने से लोगों में काफ़ी खुशी की लहर है। जयपुर से बजरंग सिंह शेखावत की यह रिपोर्ट। गांव में जेडीएस स्कीम में विजयदशमी पर बहुत बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है हनुमान ग्राम सेवा समिति द्वारा, जिसके अध्यक्ष अपने सीताराम जी यादव साहब हैं। उनकी देखरेख में सारा प्रोग्राम लालचंदपुरा में किया जा रहा है। उन्होंने मतलब इसकी अनुमति लेने के लिए जी जान लगा कि सपना चौधरी के यहाँ जयपुर ग्रामीण में शायद पहला ऐसा कोई प्रोग्राम होगा जिसके लिए उन्होंने अनुमति जिला कलेक्टर ने दी है। और उसके बाद में उन्होंने इतना बड़ा कम से कम 10 बीघा के अंदर ग्राउंड तैयार किया है, उसमें इतनी अच्छी व्यवस्था उन्होंने चारों तरफ कर रखी है, टेंट सेट लगा रखा है, अच्छे बाउंसरों की व्यवस्था करी है, मॉनिटर बनाए 300-400 करीबन, और पुलिस का भी शायद देखा जा रहा पूरा सहयोग रह रहा है सीताराम जी यादव जी का, कि उनको जो अपने से सहयोग हो पूरा सहयोग देंगे हम और व्यवस्था को पूर्ण रूप से बनाए रखेंगे। और व्यवस्था के लिए उन्होंने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि व्यवस्था, ये प्रोग्राम जयपुर ग्रामीण में इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, उसके लिए सभी लोग हैं मतलब अपना संपूर्ण योगदान दें, व्यवस्था को बनाए रखें। राउंड का 101 फीट का रखा गया है, और पिछली बार फर्स्ट विजयदशमी का प्रोग्राम था, इस बार दूसरा विजयदशमी का प्रोग्राम रखा गया। पिछली बार भी काफ़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हुए थे। उसके बाद में इन्होंने इतना बड़ा कदम लिया है कि एक ग्रामीण क्षेत्र में इतना बड़ा प्रोग्राम मैं भी करवाता हूँ, तो उन्होंने ये इतना बड़ा प्रोग्राम रखा है और जी जान लगा कि उन्होंने अपने इस प्रोग्राम को पूर्ण रूप से सफल करने, करीब करीब चारों तरफ से जो काम है उनका पूर्ण हो चुका है। और एंट्री उन्होंने बार कोड का सिस्टम रखा है, उसके अनुसार एंट्री दी जाएगी इसमें, और जो भी बाहर से अंदर से जो भी है सबको ओनली फॉर उसी से दी गई है, और 4-5 गेट रखे गए हैं, उन गेटों से एंट्री दी जाएगी, और पार्किंग की पूर्ण व्यवस्था रखी गई है, और चारों तरफ पार्किंग जैसे जैसे वाहन अंदर आएंगे उनके लिए अलग अलग व्यवस्था कर रखी है इन्होंने। व्यवस्था के लिए तो कोई ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ी इन्होंने, पूर्ण व्यवस्था पूर्ण रूप से करी है इन्होंने। आपका नाम? मेरा हीरालाल चौधरी है, और इन्होंने मुझे ग्राम सेवा समिति का मीडिया प्रभारी भी नियुक्त किया।